तो हे गाइस, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि यार सभी ठीक होंगे। तो गाइस, मेरा नाम है जट एंड आप देख रहे हैं आरकेजी जट गेमिंग। तो गाइस यार, आज हम बात करने वाले हैं कुछ नए इवेंट्स के बारे में। क्रोनो इवेंट जो आपको पता है गेम के अंदर आने वाला है, अभी तक नहीं आया है। तो क्रोनो इवेंट आपको पता है बहुत ही यार फेमस, शुरू से ही हो चुका है, अभी तक भी बहुत मतलब डिमांडिंग इवेंट चल रहा है भाई। ये क्रोनो इवेंट आने वाला है, क्रोनो इवेंट के अंदर क्या क्या आने वाला है, तो यार ओपी इवेंट है, बहुत कुछ आने वाला है। और मैं आज आपको बताऊंगा यार जो नए रैंक टोकन आने वाले हैं, जो क्रोनो इवेंट है और रैंक पे जो नए कपड़े मिलने वाले हैं, सभी बताऊंगा। तो यार वीडियो शुरू करते हैं छोटे से इंट्रो के बाद। हाँ तो गाइस यार, बात करते हैं जो नए इवेंट आने वाले हैं। तो यार जो नए इवेंट आने वाले हैं यार, सबसे पहले भाई आपको एक और बात बता दूं कि वीडियो को लाइक कर दो, और जो पहली दफ़ा चैनल पे है सब्सक्राइब कर दो, और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लो। और यार अगर हो सके तो भाई शेयर भी कर देना, ताकि यार हमें थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए आप लोगों का। तो यार गेम के अंदर बहुत ही अच्छे अच्छे इवेंट आने वाले हैं, बहुत ही अच्छी अच्छी अपडेट्स भी आने वाली हैं। जैसा कि आपको पता है OB25 की अपडेट अभी कल ही आई है, जो आने के बाद यार गेम के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजिंग हो गई है। नया क्लैश कोड का रैंक सीजन भी आ गया, और इसी के साथ यार जो नए इवेंट हैं वो भी आने वाले हैं। और कुछ इंक्यूबेटर MP40 का आपको पता होगा गाइस, तो ये CR7 जो करेक्टर है गाइस, रोनाल्डो क्रिस्टियानो रोनाल्डो फुटबॉल का प्लेयर है, शायद आप जानते हो यार इसको, वैसे वर्ल्ड फेमस प्लेयर है। तो गाइस ग्रीना बहुत अच्छे अच्छे जो स्पॉन्सर होते हैं, म्यूजिशियन होते हैं, DJ होते हैं, जो प्लेयर्स होते हैं फुटबॉल के, उनको स्पॉन्सर करती है, एक्टर वगैरह को स्पॉन्सर करती है अपनी गेम के अंदर। तो क्या ही बोले यार, क्या ही OP इवेंट होने वाला है, क्या ही OP स्केट बोर्ड आपको सभी को देखने को मिल गया है गेम के अंदर। और अभी ये जो CR7 करेक्टर है यार, सबसे OP होने वाला है, सुनने में तो यही है भाई कि बहुत OP होने वाला है। और इवेंट के अंदर यार आपको ये सारी चीजें फ्री में देखने को मिलेंगी, जिसमें बाइक्स वगैरह और काफी कुछ बैकपैक वगैरह आपको फ्री में देखने को मिलेगा। तो यार भाई बहुत ही OP इवेंट है, बहुत ही अच्छा इवेंट है। तो यार सारे बंदे जो है ना यार, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो यार, शेयर भी कर दो, ताकि दूसरों तक भी जा सके। तो गाइस क्या ही बोले भाई, इसकी क्या एबिलिटी है, जैसे बंदा टेलीपोर्ट हो रहा है, तो भाई क्या ही OP किस्म, मतलब इसका बंडल यार पर्सनली लिटरली मुझे बहुत पसंद आया। तो गाइस मैं आपको एक और बात बताता चलूं कि आपको इस तरह का इवेंट मिलेगा जिसके अंदर आपको हिट करना होगा, ऐसे हिट करना होगा गाइस, आगे आगे आपको हिट करते रहना है और इसको मुकम्मल करना है। जो आप जो बाद में जो जीतेगा गाइस, आप रिवार्ड ले सकते हो, ज़्यादा डैमेज वाले को ज़्यादा रिवार्ड मिलेंगे। आपके सामने गाइस जैसे ज़ॉम्बी इवेंट के अंदर हम मारते थे, तो जो बंदा ज़्यादा किल करता था, ज़्यादा डैमेज होता था गाइस, उसको रैंक ज़ॉम्बी टोकन देखने को मिलते थे। तो गाइस इसी तरह इवेंट आएगा। और यार जो नया रैंक का सूट आने वाला है, कॉस्ट्यूम आने वाला है रैंक टोकन पे, जो हम रिडीम कर सकते हैं, तो गाइस देख सकते हो यार, क्या बोले भाई, OP किस्म का भाई भाई क्या OP हो गया भाई साहब, थोड़ा सा गला खराब है। तो यार ये जो सूट है, कॉस्ट्यूम है भाई, इसको आप सिर्फ हीरोइक पे पहन सकते हो। आप हीरोइक पे भाई ये कॉस्ट्यूम पहन सकते हो, जैसे हम हीरोइक वाला हेलमेट पहनते हैं, तो हीरोइक के बगैर हम वो हेलमेट इक्विप नहीं कर सकते। तो यार जब आप हीरोइक पे होगे तभी आप इसको वियर कर सकते हो। उससे पहले लगता है कि सारे स्पिन 9 डायमंड के हैं, यहां पे आप लोग देख सकते हो। तो गाइस यहां पे तो यार सारे के सारे स्पिन 9 डायमंड के हो रहे हैं। पहले क्या होता था यार, हम लोग 9 डायमंड का स्पिन करते थे, अगला स्पिन 59 का होता था, ऐसे जैसे यार हमारे मतलब के डायमंड बढ़ते जाते थे। तीसरा स्पिन होता था 99 का, अगला स्पिन होता था 199 का। अभी यार सारे के सारे जो हम स्पिन कर रहे हैं